सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सब घर पे कुशल मंगल होंगे। हम आए हैं सातवें श्लोक पे। ये है हमारा सातवां श्लोक। यहाँ पे देखिए, व्याम कुर्वतो नित्यम विरोधम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम व निर्दोष परिपच्यते। व्याम कुर्वतो, व्याम करते हुए नित्यम प्रतिदिन, विरोध अपि भोजनम, व्यायाम करते हुए मनुष्य, अगर जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम करता है, अगर वह प्रकृति के विरुद्ध भोजन भी कर लेता है, या विदग्धम अविदग्धम का मतलब होता है पका हुआ या ना पका हुआ, निर्दोष परिपचनते, निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित होते हुए भी परिपचनते माने पच जाता है। कहता जो मनुष्य नित्यम व्यायाम करता है, अगर वह प्रकृति के विरुद्ध भोजन भी करता है, प्रकृति के विरुद्ध भोजन क्या होता है, जैसे दूध के साथ आप लस्सी का सेवन कर लेते हो या दूध के साथ आप प्याज का सेवन कर लेते हो, ये क्या होता है, प्रकृति के विरुद्ध है। भाई ये चीज़ें साथ में नहीं खानी चाहिए। अगर वो खा लेता है या पका हुआ भोजन अर्थात न पका हुआ चाहे कच्चा भोजन कर लेता है तो भी वो क्या है, दोष है उसमें, लेकिन फिर भी वह उसके क्या हो जाता है, पच जाता है। ठीक है, व्यायाम इतना हितकारी होता है। अगला श्लोक देखिए, व्यायाम ही सदा पथ्य हो बलीनाम संदिग्ध भोजनम। यहाँ पर आए हैं हम, व्याम ही सदा पथ्यो बलीनाम संदिग्ध भोजनाम च सीते वसंति चैतेशाम पथ्यतम स्मृतः। कहता व्याम ही सदा, ये हमारा क्या है, टाइटल है, टाइटल मीन्स पाठ का नाम है। व्याम ही सदा पथ्य हो, पथ्य हो नहीं है वहाँ, क्या है, पथ्य है, पथ्य हो। यहाँ जो पथ्य है, ये पथ्य दिया हुआ ना, और प्लस क्या है, बलिनाम। तो ये बै स्पर्श व्यंजन आने के कारण यहाँ जो विसर्ग है वो किस में बदल जाती है, ओ में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ बै स्पर्श व्यंजन होने के कारण किस में बदल जाता है, ये इसमें ओ में बदल जाता है। ठीक है, पथ्यो हो जाता है। तो कहता है कि व्याम ही सदा पथ्यो बलिनाम, व्याम हमेशा क्या होता है, हितकारी होता है, किसके लिए, बलिनाम संदिग्ध भोजन, अर्थात जो बलशाली लोग होते हैं। संदिग्ध भोजनाम का मतलब होता है जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, जो बलवान लोग होते हैं अगर वो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, व्याम उनके लिए क्या होता है, हितकारी होता है। जैसे सीते वसंति चैतेशाम पथ्यतम स्मृत, स मैंने वह, चै मैंने और सीते ही, सीते होता है कि शीत ऋतु में, अर्थात जो शीत ऋतु होती है उसे वसंत, चै चै मैंने और वसंत ऋतु में, तेषाम पथ्यतम स्मृत है, पथ्यतम है यहाँ लाभकारी होता है। कहता है कि शीत ऋतु या वसंत ऋतु, शीत ऋतु या वसंत ऋतु में किया जाए तो और भी क्या है, लाभकारी माना जाता है, क्या, व्यायाम। ठीक है, कहता है कि व्यायाम हमेशा क्या है, हितकारी होता है, किसके लिए, जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं। संदिग्ध भोजनाम का मतलब होता है जो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं, जो बलवान लोग होते हैं। आम लोग, हम चिकनाई से युक्त सारा इतना घी नहीं खा सकते क्योंकि हम इतना काम नहीं करते, जो बलवान लोग होते हैं। ठीक है, अगर वो चिकनाई से युक्त भोजन करते हैं और व्यायाम उनके लिए क्या होता है, हितकारी होता है। और कहता है कि अगर ये शीत ऋतु या वसंत ऋतु में व्यायाम किया जाए तो वो और भी क्या होता है, लाभकारी होता है। पथ्यतम का मतलब होता है लाभकारी, क्या होता है, लाभकारी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाभकारी, और भी क्या होता है, लाभकारी होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। आगे है हम नाइन्थ श्लोक पे आए हैं। आगे कहता है, सर्वे सुहृते सु अह अह, यहाँ ये दिया हुआ है, अगर आप इसका अह प्लस अह, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिदिन, क्या मतलब होता है, प्रतिदिन। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रतिदिन, अगर अह अह सर्वेशु सभी ऋतेषु ऋतुओं में अह अह प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ आगे आया है, कुंभी आत्म हितेशी ही भी, कुंभी, कुंभी होता है कि पुरुषों के द्वारा, आत्म अपना, हितेशी मैंने हितकारी, ना हित चाहने वाले होते हैं। ठीक है, जो पुरुष होता है, कहता है कि जो पुरुष है ना, वो जो सभी ऋतुओं में क्या होते हैं,
अपना एक चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी रीतियों में प्रतिदिन व्यायाम बलश्य अर्धेन, बलश्य होता है आधा बल, ठीक है, आधे बल से कर्तव्य करते हुए मैंने करना चाहिए, व्यायामो मैंने व्यायाम, हंत्यो अर्थता, हंत्यो का मतलब क्या होता है कि वो आधे बल करना क्या होता है, हंत्यो का मतलब होता है कि हानिकारक होता है, हंत्यो अन्यथा हानिकारक, कहता है कि सभी ऋतुओं में, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम कि पुंभी आत्म हितेशु, पुरुषों के द्वारा अपना हित चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। कहता है कि अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, अपने आधे बल, ठीक है, अपने आधे बल से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। हंत्यो अन्यथा, अन्यथा क्या होता है, वो हानिकारक होता है। अगर अपना हित, मान लो हमारी कैपेसिटी है कि हम दो व्यायाम कर सकते हैं, अगर हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा व्यायाम कर लिया, हम दो की हमारी कैपेसिटी थी और हमने 10 का क्या कर लिया, व्यायाम कर लिया, हमने 10 व्यायाम कर लिए, अलोम विलोम जितने भी हैं, पादासन वक्रासन, इतने सारे हम आसन कर लेते हैं, तो इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हमारी कैपेसिटी क्या है, जितनी हमारी आधे बल की, अर्थात जितना बल हमारे अंदर है उतनी हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और कहता है कि सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ बताया था कि सभी ऋतुओं में, अगले श्लोक में बताया है कि हमें अपना जो आधा बल है कैसे आधे बल से करना चाहिए, आगे बताया गया। ये आगे कहता है हृदय स्थाने अस्थितः वायु यदा वक्तृतम प्रदते व्यायाम कुर्वन्तो हो जन्तो हो बलावर्धस्य लक्षणम्। अब कहता है यहाँ हृदय स्थाने, अर्थात हृदय में स्थित, हृदय कहाँ है, जो हमारे फेफड़ों में स्थित वायु होती है ना, वायु, ये जो वायु आया है ना यहाँ, वायु यदा, ये विसर्ग संधि है आपके यहाँ, वायु प्लस यदा, ठीक है, जो यहाँ विसर्ग लगी हुई है ना, यहाँ पे विसर्ग लगी हुई है, इनका क्या हो जाता है, यह अगर इसके बाद बाद में यह हो और आगे विसर्ग हो तो इसका क्या बन जाता है, रह बन जाता है, ठीक है, जो ये रह बना है, आधा रह बना है आपका, ठीक है, ये बन जाता है। यहाँ देखिए कहता है कि हृदय स्थित, हृदय में स्थित वायु जब वक्तृतम होती है, मुंह में प्रवंते मैंने पहुंचती है, जो हमारी फेफड़ों में स्थित वायु होती है जब वो हमारे मुंह में पहुंचती है, ठीक है, व्यायाम कुर्वन्तो हो, व्यायाम करते हुए जंतु होते व्यक्ति की बलावर्धस्य लक्षणम्, तो वो व्यक्ति का क्या होता है, आधे बल का लक्षण होता है, ठीक है। क्या बताया कि कहता हृदय में स्थित आता, जो हमारी फेफड़ों में वायु होती है ना, जो हमारी फेफड़ों में हृदय स्थित का मतलब होता है जो हमारी फेफड़ों में वायु होती है, वक्तृतम होता है मुंह में, प्रवंत मैंने पहुंचती है, जब वो वायु हमारे फेफड़ों से वायु हमारे मुंह में पहुंचती है, व्यायाम करते हुए जंतु मैंने मनुष्य का बलदर्श लक्षणम, वो मनुष्य का आधा बल होता है, क्या होता है, वो मनुष्य का आधा बल होता है। यहाँ कहता है कि आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अगले में बताया है कि आधा बल कौन सा होता है, अभी मैं बताती हूँ जो फेफड़ों से मुंह में वायु कैसे आती है, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए क्या होता है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, तो हम किससे, नाक से सांस न लेके किससे लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से जोर जोर से हाँफना शुरू हो जाते हैं, हमारी सांस चढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर का आधे बल का लक्षण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे शरीर के आधे बल का लक्षण होता है, ठीक है। आगे देखिए, वयो बल शरीराणि देश काल है अशानी चह समीक्ष है कुर्याद व्याम अन्यथा रोगा आपनोत है। तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ वायु वयो है, वयो का मतलब होता है आयु, क्या मतलब होता है, आयु, बल का मतलब होता है ताकत, क्या मतलब होता है, ताकत, शरीराणी शरीर से, देश मतलब स्थान, देश का मतलब होता है स्थान, और काल का मतलब होता है समय, ठीक है, यहाँ देश काल है, और इसका मतलब होता है, अशानी का मतलब होता है भोजन। कहता आयु बल शरीर
स्थान, समय और भोजन। चैमैने और समीक्ष कुर्याद अर्थात समीक्षा करके, व्याम अन्यथा, अन्यथा कहता है व्याम के अनुसार करने चाहिए, अन्यथा रोग अपनोत है, मैंने रोगों को प्राप्त हो जाते हैं। कहता है कि रोगों को प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य को, क्या कहता है कि मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन का विचार करते हुए व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोगों को प्राप्त हो जाता है। कहता है अगर मान लो हमारी आयु क्या है 6 साल है और हाँ व्यायाम करते हैं हम 20 साल वाला बच्चे, उस बच्चे को व्यायाम करवाते हैं हम 20 साल वाला, तो वो क्या होगा, रोगों को ही बुलावा देगा। बल, अगर हमारा बल है वही वही है, कोई भी लगा लो, कोई भारी वजन उठाने का नहीं हो और हम उससे ज़्यादा भारी वजन उठा लेते हैं तो क्या होगा, नुकसानदायक होगा। शरीर को देख के, अब ये दुबला पतला आदमी है अगर वो भारी भरकम कोई चीज़ उठा के व्यायाम करेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा। स्थान देख के, अगर हम बंद कमरे में खिड़की दरवाजे बंद करके क्या करेंगे, हम खिड़की दरवाजे बंद करके, देश का मतलब होता है स्थान, ठीक है, अगर खिड़की दरवाजे बंद करके क्या करेंगे हम कोई व्यायाम करेंगे तो वो क्या होगा, रोगों को बुलावा देगा। समय, को देखकर, अगर समय हम खाली, हमें व्यायाम क्या करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, अगर हम खाना खाने के बाद व्यायाम करते हैं तो वो क्या होगा, हानिकारक होगा। भोजन का विचार करते हुए अर्थात भोजन, हमें कितना भोजन करना चाहिए, अगर हमारी इच्छा है 2 रोटी खाने की, अगर उसकी जगह हम 4 रोटी खाते हैं तो रोगों को बुलावा ही देंगे, ठीक है। समीक्षा करवा, अच्छा विचार करते हुए, व्यायाम है अन्यथा, व्यायाम करना चाहिए अन्यथा रोग आपनोदियात, क्या है, रोगों को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आया समझ, आई होप आप लोगों को ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। ये सारा आपने क्या करना है, फेयर नोटबुक में करना है पूरा चैप्टर, ठीक है। सहप्रसंग व्याख्या सुनने के बाद अपने आप करोगे और फिर उसके बाद सहप्रसंग व्याख्या क्या करोगे, नोटबुक में करोगे। इसके साथ ही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।